साथियों, देश की विरासत का संरक्षण हमारे महान व्यक्तित्वों, हमारे इतिहास का यही चित्रण राष्ट्र निर्माण का प्रमुख अंग होता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि अंग्रेजी शासन के दौरान और स्वतंत्रता के बाद भी देश का जो इतिहास लिखा गया उसमें इतिहास के कुछ अहम पक्षों को नजरअंदाज कर दिया गया। साथियों, गुरुदेव टैगोर ने 1903 के अपने एक लेख में जो लिखा था, मैं इसका जिक्र आज बंगाल की इस पवित्र धरती पे जरूर करना चाहूंगा। गुरुदेव ने लिखा था, भारत का इतिहास वो नहीं है जो हम परीक्षाओं के लिए पढ़ते और याद करते हैं। कुछ लोग बाहर से आए, पिता बेटे की हत्या करता रहा, भाई भाई को मारता रहा, सिंहासन के लिए संघर्ष होता रहा, यह भारत का इतिहास नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं गुरुदेव की बात सिर्फ पढ़ रहा हूं। इस इतिहास में इस बात को तो वर्णन ही नहीं है कि तब भारत के नागरिक, भारत के लोग क्या कर रहे थे। क्या उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था? साथियों, गुरुदेव ने अपने लेख में एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण भी दिया था, आंधी और तूफान का। उन्होंने लिखा था, और टैगोर लिखते हैं, चाहे जितना भी तूफान आए, उससे भी ज्यादा अहम होता है कि संकट के समय, उस समय में वहां के लोगों ने उस तूफान का सामना कैसे किया। साथियों, गुरुदेव ने इस बात का ध्यान दिलाया था कि इतिहासकारों ने उस तूफान को घर के बाहर से ही देखा। जो लोग उस तूफान से निपट रहे थे, वो इतिहासकार उनके घर में गए ही नहीं। अब जो बाहर से देखेगा वो तो सिर्फ तूफान ही देख पाएगा ना। उस तूफान से तब वहां के समाज ने, वहां के सामान्य मानवी ने कैसे मुकाबला किया, इस पर इतिहासकारों की नजर ही नहीं पड़ी। ये गुरुदेव कह के गए हैं। ऐसे में भारतवर्ष के इतिहास की बहुत सारी बातें पीछे ही छूट गई। साथियों, हमारे देश के इतिहास और उसकी विरासत पर दृष्टि डालें तो कुछ लोगों ने उसे सत्ता के संघर्ष, हिंसा, उत्तराधिकारी की लड़ाई तक, वहीं तक सीमित कर दिया था। लेकिन सबके बीच, जैसा गुरुदेव ने भी कहा था, इतिहास का जो एक और पहलू है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज मैं उसकी भी चर्चा इस विद्वत जनों के बीच करना चाहता हूं। साथियों, अस्थिरता के उस दौर में, हिंसा के माहौल में उसका सामना करना, राष्ट्र की चेतना को जागृत रखना, उसे संभालना, उसे अगली पीढ़ियों तक पहुंचाना भी तो बहुत ही महत्वपूर्ण था। दशक दर दशक, पीढ़ी दर पीढ़ी, शताब्दी दर शताब्दी, ये कार्य किसने किया? हमारी कला, हमारे साहित्य, हमारे संगीत, हमारे बौद्धिक जनों, हमारे संतों, हमारे दार्शनिकों ने किया। और इसलिए भारत के हर कोने में आपको अलग अलग तरह की कला,
और संगीत से जुड़ी विशेष परंपराएं देखने को मिलेगी। भारत के हर क्षेत्र में आपको बौद्धिक जनों, संत जनों का प्रभाव देखने को मिलेगा। इन व्यक्तियों ने, उनके विचारों ने, कला और साहित्य के अलग अलग स्वरूपों ने इतिहास को अपने ही तरीके से समृद्ध किया। और आप सभी ये भी भली भांति जानते हैं कैसे महान व्यक्तित्वों ने भारत के इतिहास के कुछ सबसे बड़े सामाजिक सुधारों का नेतृत्व भी किया। भारत को आदि शंकराचार्य से संतों का आशीर्वाद मिला। अंदाल, अक्का महादेवी, भगवान बसवेश्वर, गुरु नानक देव जी द्वारा दिखाया गया मार्ग आज भी हमें प्रेरणा देता है। जब भारत के अलग अलग हिस्सों में भक्ति आंदोलन चला तो उस लंबे से कालखंड में अनेक संतों और सुधारकों के गीतों, विचारों ने उसे समृद्ध किया। संत कबीर, तुलसीदास जी, एकनाथ जी, नामदेव जी, संत तुकाराम जी समाज को जागृत करते रहे। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं था कि जहां उस कालखंड में इस प्रकार के महापुरुष कार्यरत ना हो। समाज परिवर्तन के लिए राजा राममोहन राय जी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के प्रयास आज भी उतने ही प्रेरणादायी है। इसी तरह हम ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, गांधी जी, बाबा साहब अंबेडकर, ऐसे अनेक व्यक्तित्वों को भारत को, भारत के इतिहास को समृद्ध करते हुए देखते हैं। सामाजिक सुधार, समाज की कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाना, उस दौर में महिला सशक्तिकरण के लिए इतनी कोशिश करना, ये राष्ट्र की चेतना को जागरूक रखने के ही तो प्रयास थे। और जितने भी नाम आप देखें, बहुत से नाम में नहीं भी ले पाया, लेकिन उन्होंने साहित्य को, कला को, संगीत को ही अपने संदेशों का माध्यम बनाया। यही है कला, संगीत, साहित्य की ताकत। उन्होंने हथियारों की शक्ति से नहीं, जनशक्ति से परिवर्तन लाने का इतिहास रचा। शस्त्र के सामने शास्त्र का सामर्थ्य उन्होंने दिखा दिया। साथियों, किसी भी भूभाग की आत्मा का प्रतिनिधित्व वहां के लोगों की भावनाएं करती है। गीत, संगीत, कला, साहित्य के माध्यम से जो कहा जाता है वही जन भावनाएं होती है। राजनीति और सैन्य शक्ति तो अस्थाई होती है, लेकिन कला और संस्कृति के जरिए जो जन भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं वो स्थायी होती है। और इसलिए अपने समृद्ध इतिहास को, अपनी धरोहर को संजोकर रखना, उनका संवर्धन करना भारत के लिए, हर भारतवासी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही एक ऐसी संपदा है जो हमें दुनिया के दूसरे देशों से अलग करती है। साथियों, संस्कृति की रक्षा करने के विषय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, हमें तकलीफ इस बात की नहीं है कि पश्चिमी ज्ञान के दरवाजे हमारे लिए खुले, तकलीफ इस बात की है कि ये ज्ञान हम पर भारतीय संस्कृति के साथ समझौता करते हुए थोपा गया। आवश्यकता इस बात की थी कि दोनों में एक समन्वय हो जिसमें भारतीय संस्कृति को नजरअंदाज न किया जाए, उसे समाप्त न किया जाए। ये डॉक्टर मुखर्जी के शब्द थे। डॉक्टर मुखर्जी की ये बात उस दौर में भी महत्वपूर्ण थी और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। हमें दुनिया की हर संस्कृति से कुछ न कुछ सीखने को मिल सकता है, लेकिन इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय संस्कृति के मूल्यों पर आंच न आए। साथियों,
बांग्ला भूमि में पैदा हुए पले बढ़े सपूतों ने, संतों ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के महत्व को हमेशा समझा है, उसे इंटेलेक्चुअल नेतृत्व दिया है। आसमान में भले ही एक ही चांद चमकता हो, लेकिन दुनिया को भारत की चमक दिखाने के लिए पश्चिम बंगाल ने अनेक चंद्र दिए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र, शरद चंद्र, बंकिम चंद्र, ईश्वर चंद्र, जगदीश चंद्र, केशव चंद्र, बिपिन चंद्र, ऐसे अनेक चंद्र ने भारत की पहचान को प्रकाशित किया है। चैतन्य महाप्रभु से लेकर राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पूरी दुनिया और संपूर्ण भारत को जगाने का काम किया है। इन सभी महापुरुषों ने पूरी दुनिया को बताया कि भारत असल में क्या है और उसकी असली ताकत क्या है। इन्होंने भारत को भी यह एहसास कराया कि हमारी असली पूंजी हमारी संस्कृति है, अतीत का हमारा ज्ञान विज्ञान है। नजरुल इस्लाम और लालन फकीर की कविताओं ने और सत्यजीत रे की फिल्मों ने इस सोच को विस्तार दिया है। साथियों, भारत के ज्ञान विज्ञान और पुरातन पहचान से देश और दुनिया को परिचित कराने का काम जो बंगाल की मिट्टी ने किया है, उस परिपाटी को न्यू इंडिया ने भी जीवित रखने का दायित्व हम सभी का है, यहां के युवाओं का है। यह सही समय है जब यहां से हर क्षेत्र में नई और सक्षम लीडरशिप तैयार करे, जो पूरी दुनिया में भारत का प्रतिनिधित्व कर सके। हम सभी को स्वामी विवेकानंद जी की वो बात हमेशा याद रखनी है जो उन्होंने मिशिगन यूनिवर्सिटी में कुछ लोगों से संवाद के दौरान कही थी। स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हें कहा था, अभी वर्तमान सदी भले ही आपकी है, लेकिन 21वीं सदी भारत की होगी।